एक्सोडस 3, 4, 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से। रिदीन एखम्ब ओश्कर खासे खिब्बिर रेखे तीन अरब हंतरहासा जिदी लब्बा खासे खम्ब ओश्कर खासे खे तीन अरब हंतरहासा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महानता को पढ़ने का समय मिला है खुदा। ये पुराना नियम खुदा परमेश्वर तेरी महान कामों से भरा हुआ है, जो तेरी व्यवस्था हमें बताता है, जो परमेश्वर पिता इसराइल के साथ तूने किस प्रकार से अपने फेलोशिप को रखा, किस प्रकार से तूने उनको चलाया, यह सब कुछ पिता हमको देखने को मिलता है। हमारी आंखें खोल खुदा परमेश्वर, हमारी समझ को खोल खुदा। इसके अंदर मसीह यीशु मसीह का वर्णन जहाँ जहाँ कहीं होगा उसकी तरफ हमारा ध्यान खींच। हमें खाली हाथ जाने मत दे खुदा। आज तुझसे मुलाकात का समय खुदा परमेश्वर, वो भरपूरी का आनंद हमको इन वचनों के अंदर से हमेशा मिलता रहे। हमें दोस्ती बना वचन के साथ, यीशु मसीह के वचन हमारे लिए पिता मीठे और प्यारे लगे, और उसके सारे वचन के अधीन रहना हमें आनंददायी और शांत के परमेश्वर शांतिदायक ऐसा समय रहे। अब फादर गॉड, हमारा धैर्य तुम्हारे वचनों में रहे खुदा, हमारा हियाव आपके वचनों में रहे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा विश्वास आपके वचनों में रहे खुदा पिता। हम अपने आप में नहीं है खुदा, हमारे अंदर तेरा वचन है, इसके लिए पिता हम लाभदायी हैं। अगर तेरा वचन हमारे अंदर नहीं होता तो हम लाभदायी नहीं बन सकते थे किसी के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर तेरा वचन और बढ़ा ताकि हम और ज़्यादा लाभदायी बन सके। तेरे वचन की गहरी बातें हमें सिखा, तेरे वचन के आनंद और शांति का भेद हमको सिखा। तेरे वचन के अंदर परमेश्वर अड़े के खड़े रहने का सामर्थ्य अभिषेक प्राप्त करना सिखा। तेरे वचन में से पिता अटल रहना सिखा, तेरे वचन के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना सिखा। तेरा वचन हमको सिखा परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। चैप्टर 3, 4, 5 पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से, बाद में पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। मोसेस कीपेथ जेरोस फ्लॉक, गॉड अपीयरथ अनटू हिम इन अ बर्निंग बुश एंड सेंडेथ हिम टू डिलीवर इसराइल फेरोस ऑब्स्टिनेसी। फर्स्ट वर्स, नाउ मोसेस केप्ट द फ्लॉक ऑफ जेत्रो हिज फादर इन लॉ द प्रीस्ट ऑफ मिदियन एंड ही लेड द फ्लॉक टू द बैक साइड ऑफ द डेजर्ट एंड केम टू द माउंटेन ऑफ गॉड इवन टू होरेब एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपियर्ड अनटू हिम इन अ फ्लेम ऑफ फायर आउट ऑफ द मिडस्ट ऑफ अ बुश एंड ही लुक्ड एंड बिहोल्ड द बुश बर्न्ड विद फायर एंड द बुश वॉज नॉट कंज्यूम्ड एंड मोसेस सेड आई विल नाउ टर्न असाइड एंड सी दिस ग्रेट साइट वाई द बुश इज नॉट बर्न्ड एंड वेन द लॉर्ड सॉ दैट ही टर्न्ड असाइड to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the operation wherewith the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send thee out unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should
Bring forth the children of Israel out of Egypt. And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt. And ye shall say unto him, The Lord God of the Hebrews hath met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof. And after that he will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house jewels of silver and jewels of gold, and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. Chapter 4. Moses' rod is turned into a serpent. His hand is leprous. He departs from Jethro. God's message to Pharaoh. Aaron is sent to meet Moses. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath appeared unto thee. And the Lord said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again, and plucked it out of his bosom. And behold, it was turned again as his other flesh. And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the later sign. And it shall come to pass, if they will not believe also these 2 signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river and pour it upon the dry land, and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land.
And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither hereafter nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth, or who maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee. And when he seeth thee, he will be glad in his heart. And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth and with his mouth, and will teach you what ye shall do, and ye shall be thy spokesman unto the people, and he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God, and thou shalt take this rod in thine hand. Dekho kya likha hai, and thou shalt be to him instead of God. यानी उसको परमेश्वर के स्थान में दे दिया पोजीशन की, तो वो परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मूसा ही उसके लिए परमेश्वर का काम करेगा, एरोन. ओके, सो वंडरफुल. नाउ 17 वर्स, एंड दाउ शाल्ट टेक दिस रॉड इन दाइन हैंड वेयर विथ दाउ शाल्ट डू साइंस. And Moses went and returned to Jethro his father-in-law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. And the Lord said unto Moses in Midian, Go, return into Egypt, for all the men are dead which sought thy life. And Moses took his wife and his sons and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand, and the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go. And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me. So he let him go. Then she said, A bloody husband thou art because of the circumcision. And the Lord said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went and met him in the mount of God and kissed him. And Moses told Aaron all the words of the Lord who had sent him, and all the signs which he had commanded him. And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel. And Aaron spake all the words which the Lord had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped. Chapter 5. Pharaoh chideth Moses and Aaron. He increaseth the Israelites' task. The people have no straw.
first verse. And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." And they said, "The God of the Hebrews hath met with us. Let us go, we pray thee, 3 days' journey into the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword." And the king of Egypt said unto them, "Wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works? Get you unto your burdens." And Pharaoh said, "Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens." And Pharaoh commanded the same day the taskmasters of the people and their officers, saying, "Ye shall no more give the people straw to make brick. As heretofore, let them go and gather straw for themselves, and the tail of the bricks which they did make heretofore. And ye shall lay upon them, ye shall not diminish out thereof, for they be idle." Therefore they cry, saying, "Let us go and sacrifice to our God. Let their more work be laid upon the men, that they may labor therein, and let them not regard vain words." And the taskmasters of the people went out, and their officers, and they spake to the people, saying, "Thus saith Pharaoh, I will not give you straw. Give ye, get you straw where ye can find it, yet not out of your work shall be diminished." So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw. And the taskmasters hasted them, saying, "Fulfill your works, your daily tasks, as when there was straw." And the officers of the children of Israel, which Pharaoh's taskmasters had set over them, were beaten and demanded, "Wherefore have ye not fulfilled your task in making brick both yesterday and today as heretofore?" Then the officers of the children of Israel came and cried unto Pharaoh, saying, "Wherefore dealest thou thus with thy servants? There is no straw given unto thy servants." And they say to us, "Make bricks, and behold, thy servants are beaten, but the fault is in thine own people." But he said, Ye are idle. Therefore ye say, "Let us go and do sacrifice to the Lord. Go therefore now and work, for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tail of bricks." And the officers of the children of Israel did see that they were in evil case. After it was said, "Ye shall not minish out from your bricks of your daily task." And they met Moses and Aaron, who stood in the way as they came forth from Pharaoh. And they said unto them, "The Lord look upon you and judge, because ye have made our savour to be abhorred in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us." And Moses returned unto the Lord and said, "Lord, wherefore hast thou so evil entreated this people? Why is it that thou hast sent me? For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he had done evil to this people, neither hast thou delivered thy people at all." Nirgaman ki pustak 3, 4, 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान, पहले वचन से। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया।
और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएँ बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तुम मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इसराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इसराइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएँ बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इसराइली पुरनियों के को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। 4 अध्याय, पहले वचन। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले।
ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुँह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मोह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। 18 वचन से आगे, तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चमत्कार परमेश्वर वश में करके देता है। ध्यान दीजिए ये शब्द को, कभी बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग को छूती नहीं है, है ना? तो ये एक वर्ड याद रखिए, हमारे वश में करता है परमेश्वर कुछ चमत्कार ऐसे जिसको हम कर पाते हैं, जैसा प्रार्थना का जवाब पाना, ये चमत्कार है। ओके, भविष्यवाणी करना और फिर वो भविष्यवाणी के शब्द पूरे होना, ये चमत्कार है। तो ऐसे कुछ चमत्कार, हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, ये चमत्कार है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल पोजीशंस के अंदर हमको परमेश्वर पोजीशन देता है और उस पोजीशन में हमारे असिस्टेंट्स हमको देता है, वो जो ये काम करता है। ओके, जो परमेश्वर का आत्मा ये काम करता है वो हमारी असिस्ट करता है, हमको वो पूरा करके देता है। हम जो जैसे जितना हमारे वश में दिया है वो हम कर पाते हैं। ओके, तो हमने परमेश्वर से वश में पाया है वो बातों को हम आसानी से कर लेते हैं, जो हमने परमेश्वर से वश में नहीं पाया है उसके विषय में हम स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। ओके, कभी कभी हम वचन को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और ऐसे कुछ छोटी सी बात रहती है, वो बाद में बार बार पढ़ने की वजह से फिर हमको दिमाग में पकड़ लिया जाता है कि ये यहाँ पर ऐसा लिखा है, है ना? रिबांतिक हम बहुष्कर खासे खेती नर बहांत रहस्य, उन सबों को फिरौन को दिखलाना।
परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधी ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तो यहाँ पे वश में दिया है मूसा के ये चमत्कार। तो हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हमारे वश में कर दिया है। ओके, तो अगर परमेश्वर मूसा को 2-3 चिन्ह उसके वश में देकर कह रहा है कि उसको तू अपने साथ रखना है, अपने वश में किए हैं उन सबों को तूने काम में लाना है, तो हमारे पास प्रभु यीशु सब कुछ दे चुका है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा हमको सब कुछ दे रखा है, वश में दे दिया है, तो हमने कितना काम में लाना चाहिए वो सब चीज़ें, है ना, शत्रुओं को झुकाने के लिए और परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। एक मिनट। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इसराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इसराइलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। 5:1 से। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूँ? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें और ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटे बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनमें बनवाना।
ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें, उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। परिश्रम कराने वाले यह कह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इसराइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, जल्दी जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना अब प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इसराइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई। तब इसराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कह कर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है, तेरे दासों का को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं ईंट बनाओ ईंट बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे, अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इसराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। परमेश्वर से मूसा की शिकायत। 22 वचन, तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपने प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। थैंक यू जीसस। रिदा नमक हसी खित किलबरखासियांदुरा रिदान मखतील रहस्सा। परमेश्वर तुझे समझना सच में अद्भुत काम है खुदा, अद्भुत काम है। अब फादर गॉड मूसा पिता परमेश्वर इसराइल को छुड़ाने के लिए गया लेकिन पिता परमेश्वर वो तुझे आकर कंप्लेन करता है, तूने ऐसा बुराई क्यों किया इसराइल के साथ, जब तू नहीं छुड़ाना चाहता है तो मत छुड़ा, लेकिन तूने उनको उकसा दिया छुटकारे के विषय में और पलट गया सब कुछ, उल्टा क्या हो गया, फिरौन उनके ऊपर प्रबल हो गया और ज़्यादा उनको सताने लगा, तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा परमेश्वर से वो विवाद कर रहा है। रिदान मैं कैसे खबर रुख तीन रबह अखसी है पुरुकोसा। पिता परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर इसी प्रकार से जब मुश्किलों में लोग रहते हैं खुदा परमेश्वर हम उनको सहायता करने के लिए तेरे आत्मा की अगुवाई में हारून पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के अगुवाई से पिता मूसा को मिलने के लिए चला आया। मेरे पिता परमेश्वर वैसे ही पिता परमेश्वर हम तेरे आत्मा के अगुवाई से लोगों के जीवन बदलने के लिए उतर आते हैं लेकिन पिता परमेश्वर
हम जब जीवन बदलने के काम कर रहे होते हैं खुदा परमेश्वर, तो हमारे साथ संगति के पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों में प्रभाव हो जाता है कि उनको पिता परमेश्वर और ज़्यादा सताव या बिना छुटकारे के बने रहना पड़ता है। मेरे पिता परमेश्वर बीमार बीमार ही रह जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है, दुखी दुखी ही रह जाता है। मेरे पिता परमेश्वर जिसकी जो परेशानी है वो वही के वही ठहरी रहती है और उल्टा उससे ज़्यादा कुछ बन जाता है। ऐसा समय होता है तब परमेश्वर पिता, हम भी पिता परमेश्वर इसी प्रकार से विचलित हो जाते हैं और हमको भी यही लगता है खुदा परमेश्वर कि तूने हमको वहां पर क्यों भेजा। अब फादर गॉड, ऐसा लगता है कि शायद से तेरी मर्जी नहीं है उनके ऊपर मेरे खुदा परमेश्वर, लेकिन तू जानता है खुदा परमेश्वर कि तूने सब कुछ वैसे के वैसे क्यों होने दिया है, वैसे के वैसे क्यों रहने दिया है। तू जानता है उसका कारण, तूने परमेश्वर पिता योजना रखी है हमारे जीवन में। जब तू प्रेरणा देता है खुदा कुछ करने के लिए, तो उस समय खुदा ये तेरा वचन हमको सिखा रहा है खुदा परमेश्वर, वो प्रेरणा नहीं लेकिन पिता परमेश्वर वो परमेश्वर यस एंड आमेन में बदल चुका हुआ काम हम कर रहे हैं खुदा, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। चाहे वो हमारी नज़र में पिता तूने बताया हुआ अंजाम क्यों नहीं दिख रहा हो, तो भी परमेश्वर पिता कैसे भी हालत क्यों ना हो खुदा, फिर भी वो हमारा काम यस एंड आमिन में बदल चुका है खुदा। मेरे परमेश्वर तू झूठा परमेश्वर नहीं, तू सच्चा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तू कुछ भी बात पिता परमेश्वर ठट्टों में या मजाक उड़ाने के लिए नहीं देता है। तूने मूसा को और हारून को मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोला था मेरे परमेश्वर, तूने उनको हियाव के साथ और सच्चाई को पेश करने के लिए कहा था मेरे परमेश्वर। हमने वही करते हुए अभी तक पहुँचे हैं और हमने हमेशा ही देखा है खुदा परमेश्वर, जो भी हम करते हैं तेरे राज्य के लिए खुदा, वो यस एंड आमिन का ही काम है खुदा परमेश्वर। चाहे हमको वो देखने को मिले ना देखने को मिले, उसका रिजल्ट यस एंड आमिन हो चुका है खुदा। तेरी बरकत तेरे आशीष जब लोगों के जीवन में उंडेलते हैं खुदा, उनके जीवन यस एंड आमिन में बदल चुका रहता है मेरे पिता परमेश्वर। उनका पोजिशन बदल गया रहता है स्पिरिचुअली खुदा परमेश्वर, उनके शक्तियाँ उनको पिता परमेश्वर छोड़ कर जाती है और तेरी ओर से पिता परमेश्वर दया और आशीष पिता परमेश्वर उनको ओवरटेक कर लेता है मेरे परमेश्वर। हमारा किसी के साथ भी उठना बैठना खुदा परमेश्वर उनके स्पिरिचुअल रियाम्स में खुदा परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आता है, मसीही ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमको पिता परमेश्वर जो पिता हम समझते हैं देखते हैं और पिता उस दिशा में हम चलते हैं खुदा परमेश्वर, तो वो तू ही होता है खुदा परमेश्वर जो हमारे लिए इंतज़ार करता है। अब फादर गॉड तो उस नतीजे में कुछ पहुंचाने का इंतज़ार लगाया रहता है। अब फादर गॉड हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हम मसीह होना पिता परमेश्वर बिल्कुल यस एंड आमिन में बदल चुका हुआ पिता लाइफ है। अब फादर गॉड हमारा बोलना चालना हंसना बैठना उठना खेलना सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे राज्य के महिमा को लेकर आता है। वो यस एंड आमिन हो चुकी बातों में पिता उसके रिजल्ट्स को निश्चित करता है, सिद्ध करता है, निश्चित करता है। तेरा कितना ही प्यारा अनुभव इस वचन के अंदर से हमने पाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के गहरे भेद हमको छूकर हमको आनंदित किए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारा आगे का समय और भी ज़्यादा तेरे वचनों में बने रहने के लिए सहायता कर और हमें पिता तेरी आंखों से तेरी दृष्टि से सब कुछ देखना सिखा, तेरे हृदय से समझना सिखा, तेरे मन से पिता परमेश्वर सोचना सिखा। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते है, ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 11 चैप्टर 15 वर्स से 30 वर्स, जोब 17 चैप्टर, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 15 वचन से 30 वचन, अय्यूब की पुस्तक 17 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने अपने पर्सनल टाइम व्यक्तिगत समय में पढ़ने का फैसला लिया है। हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा को समय दे कि वो हमें जांच करे, हमें छानबीन करे और हमारे अंदर के भेद हमको वचन के द्वारा दिखाए, ताकि हमारे अंदर जो सुधार या जो उन्नति लाना चाहता है परमेश्वर का आत्मा वो ला सके।
और हम ये कर रहे व्यक्तिगत में इस प्रकार से बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सभियों ने यह ऐसे ही करना है। आप अपने तरह से भी परमेश्वर का वचन जैसा आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं इस 2 साल के बाइबल रीडिंग में से। और निश्चित इतना ही करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा का लाभ हमने उठाना है, इसी बात को निश्चित करना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन। हमें सहायता कर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे मन सोच विचारों में, हमारे इर्द गिर्द में तेरा वचन फैलने दे। हमें परमेश्वर पिता ईश्वरीय रचना में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर पिता इन वचनों के आधार से और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन आमेन आमेन।